गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज है 3B। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये देखिए 3B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9x² - 16y². अब हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कॉमन लेके सॉल्व करना। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे 9x² है और यहाँ पे 16y², तो यहाँ पे कुछ कॉमन तो है नहीं। तो हम लोगों ने 8th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला था a² - b² = a + b और a - b। अब आप देखेंगे ये कुछ उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे। देखिए 9x², ठीक, ये किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है 3x का, 3x का होल स्क्वायर, यानी कि 3x * 3x हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह 16y² को हम क्या लिख सकते हैं, 4y। अब देखिए ये क्या हो गया, 3x² - 4y² ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, यानी कि a² - b² और फॉर्मूला क्या था, a + b और a - b। तो देखिए इसको हम लिखेंगे a + b, यानी a हमारा हो गया 3x और b क्या हो गया 4y। इसी तरह से 3x - 4y, ठीक, ये फॉर्मूला यूज हो गया। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है हमारा 25/4x² - 1/9y², ठीक। ये भी देखिए उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिखेगा, है ना, कॉमन है ही नहीं। पिछली एक्सरसाइज में कॉमन लेना सीखा था, तो हम इसी तरह से इसको पहचानेंगे किस एक्सरसाइज में या किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिए 25 किसका होता है, 5 का, और 4 किसका होता है, 2 का, और ये देखिए 9 किसका होता है, 3 का। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2x² - 1/3y² देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है a² - b² तो इसको हम लिखेंगे 5/2x, है ना, a + b, यानी कि ये a हो गया, इसको हम a बोलते हैं, और ये हो गया 1/3y, ये b हो गया, और इसी तरह से 5/2x - 1/3y। थर्ड हो गया हमारा 81 - 16x². 81 किसका होता है, 9 का, 16 किसका हुआ, 4x² और ये किसका हुआ, 9² ठीक। अब देखिए हम इसको फिर a + b और a - b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो गया 9x - 4x और 9 - 4x, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5 - 20x². अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए 5 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे 20 भी किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसमें क्या करेंगे, पिछली एक्सरसाइज में हमने कॉमन लेना सीखा था, तो हम इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, देखिए ये 5 कॉमन हो सकता है, तो देखिए हमने 5 कॉमन लिया, तो देखिए क्या बचा, ये आ गया हमारा 1 - कैसे करके, देखिए 20 से 5 को डिवाइड किया, तो ये क्या आ गया, 5 × 4 = 20, तो यहाँ पे आ गया 4x² अब इसके बाद देखिए ये किसका हो गया, 1 का होल स्क्वायर 2, 4x का क्या हुआ, 2x² है ना, तो 5, अब इसको a + b और a - b, 1
प्लस टू एक्स और वन माइनस टू एक्स। फोर, क्वेश्चन नंबर है फाइव, फाइव है ना, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा टू एक्स की पावर फोर माइनस थर्टी टू। ठीक, इसमें भी देखिए ये टू किसी का नहीं होता है ना, ना 32 होता, तो इसमें भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे x की पावर 4 माइनस, है ना, देखिए यहाँ से कॉमन लेते हैं, यानी कि इसको 32 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, तो ये हो गया 16। अब देखिए ये किसका हो गया, यानी ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, कैसे, यानी कि हम x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, आपको ध्यान है कि पावर क्या होती है, ये प्लस होती है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और ये 16 किसका है, 4 का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि देखिए ये देखिए इसी फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक्स स्क्वायर किसका होता है, एक्स का, और 4 किसका होता है, 2 का। तो हम इसको एक बार फिर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, और देखिए ये वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, सो क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कोई फॉर्मूला होता है, ये नहीं होता है। ठीक, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, इस वाले में फॉर्मूला लगेगा, तो इसको हम इसके साथ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको एक बार फिर ओपन करेंगे, है ना, प्लस 4, और ये क्या हो गया, एक बार इसमें फॉर्मूला लगेगा तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा और एक्स माइनस 2। ओके, this is the answer.